Why is Tokyo Revenger one of the most popular anime in 2021? Tokyo Revengers anime series अप्रैल में स्टार्ट हुई और थोड़े ही दिनों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई और उसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और वन ऑफ द मोस्ट वॉच एनिमे बन गया। आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों ये एनिमे इतना पॉपुलर है और इसमें ऐसा क्या खास है। What is Tokyo Revengers? Tokyo Revenger anime based है सेम नाम की मांगा के ऊपर और इसकी मांगा इतनी पॉपुलर है अब तक उसकी 35 मिलियन कॉपीज वर्ल्ड वाइड बिक चुकी है और ये वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट वॉच एनिमे है। द प्लॉट ऑफ टोक्यो रिवेंजर्स। एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट ताकेमिची 26 साल का एक नल्ला है। एक दिन उसे पता चलता है टोक्यो मांजी गैंग ने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हिनाता ताचिबाना और उसके छोटे भाई नाओतो को मार डाला है। उसके बाद ट्रेन स्टेशन पर कोई उसे ट्रेन के आगे ढकेल देता है पर ताकेमिची 12 साल पीछे अपने मिडिल स्कूल डेज चला जाता है, जिसके बाद वो नाओतो से मिलता है और उसे उसकी और उसकी बहन की डेथ के बारे में सब बताता है, जिसके बाद दोनों हाथ मिलाते हैं जिस कारण ताकेमिची प्रेजेंट डे में पहुंच जाता है। प्रेजेंट डे में नाओतो बच जाता है और वो ताकेमिची को बताता है कि उन दोनों के हैंडशेक की वजह से ताकेमिची 12 साल पीछे जा सकता है, जिसके बाद दोनों सभी डेथ्स को रोकने के मिशन पे लग जाते हैं। आपको ये एनिमे सीरीज दूसरे टिपिकल हाई स्कूल ड्रामा जैसा लग सकता है मगर ये उससे भी बढ़कर है। इसमें एक्शन है, ऐसी स्टोरी और ऐसे कैरेक्टर है जिससे आपका इंटरेस्ट इस एनिमे में बना रहेगा। अगर आपने अब तक इस एनिमे को नहीं देखा तो आपको ये एनिमे जरूर ट्राई करना चाहिए। इसके अब तक 24 एपिसोड आ चुके हैं और आप इसे म्यूज एशिया के यूट्यूब चैनल पे फ्री में देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।